यहाँ पर हमारे पास जो भीमनगर है, ये भीमनगर नहीं बल्कि गंगा जमुना तहजीब है। हिंदू के घर में मुसलमान का त्यौहार, मैं मुसलमान के घर में हिंदू का त्यौहार, एक तारीख है भीमनगर की हमारे पास। MLA साहब के बदौलत हमारे को बहुत अच्छा रोड मिला है, गार्डन के होते हुए जो बसोरा चंदा हॉस्पिटल राम मंदिर से होता है गोल्ड सिटी के कॉर्नर को जाता है, हॉस्पिटल के कॉर्नर को। और हमारे एरिया में जैसे हमारा एंट्री होता है हमारे एरिया से, तो CC रोड हमारे को MLA साहब के दबदबा तो हुआ है। और मैं अभी बोलना चाहता हूँ, टोटली बीदर में 4 समुदाय भवन को 20-20 लाख का सेंक्शन किया है MLA साहब ने। उसमें हमारा बीदर का जो पहला समुदाय भवन था हमारा भीमनगर का था, वो बहुत 50 साल से पुराना था। अभी उसके बदौलत हम MLA साहब को प्रपोजल देने से उन्होंने 20 लाख का सेंक्शन हो गए, अभी हमारा काम चल रहा है। हम MLA साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे वार्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह कब्रस्तानों के बाउंड्रियों के काम हुए हैं, रोडों के काम हुए हैं। 2016-17 का नगर उद्यान का काम वो बैलेंस था, तो CC रोडों के, नालियों के, शमशा कॉलोनी में वगैरह काम हुए हैं। मिसाल है साहब की बदौलत से हमारे को SFC में कदीर भाई हमारे को 10 लाख का करके दिए थे, तो हमें थोड़ा एक्सटेंड करके उसको बड़ा करने का था। तो हम MLA साहब के पास गए, सर कुछ करिए बोले, तो रिसेंटली साहब 20 लाख का सैंक्शन करके अभी 30 लाख का समुदाय भवन बन रहा है, अम्बेडकर भवन बन रहा है। क्या आप ओल्ड सिटी से हैं? हाँ जी, हम ओल्ड सिटी भीमनगर वार्ड नंबर 8 और 9 दोनों कम्बाइंड होता हमारा। कहा जा रहा है ओल्ड सिटी की आवाम MLA साहब से नाराज है, क्या आप नाराज है MLA साहब? नहीं, हम तो बहुत खुश है। देखिए हमें 8 और 9 के वार्ड में जो MLA साहब के बदौलत से हमारे को जो मूल सौकर्य मिला है, बेसिक सब मिल रहा है, हम तो बहुत खुश है। हमारे वार्ड में भी बहुत सारा काम करे हैं हम उनका, हमारे भीमनगर की तरफ से, रोहिली गली, शमशा कॉलोनी, दरगामपुरे की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले पीरियड में भी MLA साहब का जो भी बजट रहेगा, खदीर भाई रहेंदे, हम रहेंदे, विनोद भाई रहेंदे, क्या भी मसले के, क्या भी मामला रहेंदे, फंड्स वगैरह रहेंदे, इंशाल्लाह जो भी रहेंगे हम हमारे एरिया को बिल्कुल ला के डेवलप करेंगे हम हमारे एरिया को इंशाल्लाह। जय भीम। मैं विनोद बंदगे भीमनगर से बात कर रहा हूँ। आज मीडिया के सामने बोलने का एक अवसर मिला है और हमारे MLA साहब को थैंक बोलने का एक अवसर मिला है हमें। आज हमारे जो वार्ड 8 और 9 के वार्ड में जो डेवलपमेंट हुआ है, ये सिर्फ MLA साहब के बदौलत हुआ है। और आज हमारे को ये जो नया रोड, जो कनेक्टिविटी रोड बोलूँगा मैं, कहाँ से बोले तो हमारा ओल्ड सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके दरगापुरा से लेके उस्मानिया मस्जिद तक जो टचिंग पॉइंट्स हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा पानी ठहरता था, लोगों को अभी कन्वीनियंट हुआ। आप देख सकते हैं इतना बढ़िया रोड हुआ है, अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और हमारे वार्ड में नगर उत्तन फेज 3 में जो 65 लाख का काम जो MLA साहब किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। उसमें क्या क्या काम करे MLA साहब? आपने बताया कि 65 लाख का सर क्या क्या काम है? बड़े काम देखिए, मूल सौकर्य बोले तो आदमी को कॉलोनी में क्या होना चाहिए, नाली होना चाहिए, रोड होना चाहिए, पानी होना चाहिए, लाइट फैसिलिटी होना चाहिए। एक कॉलोनी के लिए एक क्या है, माइनर, एक जरूर मूल सौकर्य बोलते हैं इसको, बेसिक का काम करे है उसमें। आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 8 में इतना बढ़िया पानी का पाइपलाइन है, जो हमारे सदर साहब है काउंसलर खदीर भाई, उनकी बदौलत से बहुत अच्छा पानी का फैसिलिटीज हुआ है। और जो 65 लाख में जो नगरोत्तन फेज 3 है वार्ड नंबर 9 में, जहाँ पे हमारे अलीम भाई का एरिया आता है, पूरा एरिया डेवलपमेंट हो गया सर, पूरा CC रोड। मंदिर भी बनाने का काम चालू करेंगे? हाँ, वो तो आपको मैं एक मिसाल है साहब की बदौलत से हमारे को SFC में खदीर भाई हमारे को 10 लाख का करके दिए थे, तो हमें थोड़ा एक्सटेंड करके उसको बड़ा करने का था। तो हम MLA साहब के पास गए, सर कुछ करिए बोले, तो रिसेंटली साहब 20 लाख का सैंक्शन करके अभी 30 लाख का समुदाय भवन बन रहा है, अम्बेडकर भवन बन रहा है। क्या आप ओल्ड सिटी से हैं? हाँ जी, हम ओल्ड सिटी भीमनगर वार्ड नंबर 8 और 9 दोनों कम्बाइंड होता हमारा। कहा जा रहा है ओल्ड सिटी की आवाम MLA साहब से नाराज है, क्या आप नाराज है MLA साहब? नहीं, हम तो बहुत खुश है। देखिए हमें 8 और 9 के वार्ड में जो MLA साहब के बदौलत से हमारे को जो मूल सौकर्य मिला है, बेसिक सब मिल रहा है, हम तो बहुत खुश है। जय भीम। मैं सतीश लक्की भीमनगर से बात कर रहा हूँ। MLA साहब के बदौलत हमारे को बहुत अच्छा रोड मिला है, गार्डन के होते हुए जो बसोरा चंदा हॉस्पिटल राम मंदिर से होता है गोल्ड सिटी के कॉर्नर को जाता है, हॉस्पिटल के कॉर्नर को। और हमारे एरिया में जैसे हमारा एंट्री होता है हमारे एरिया से, तो CC रोड हमारे को MLA साहब के दबदबा हुआ है। और मैं अभी बोलना चाहता हूँ, टोटली बीदर में 4
समुदाय भवन को 20-20 लाख का सेंक्शन किया है एमएलए साहब ने। उसमें हमारा बीदर का जो पहला समुदाय भवन था, हमारा भीमनगर का था, वो बहुत 50 साल से पुराना था। अभी उसके बदौलत हम एमएलए साहब को प्रपोजल देने से उन्हें 20 लाख का सेंक्शन हो गए। अभी हमारा काम चल रहा है, हम एमएलए साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे को अच्छा काम करके दे बोल के। सर मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एमएलए रहीम खान साहब 15 साल से बिदर पे कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं कि कुछ अपोजिशन मानते हैं के, तो आप लोगों का क्या एमएलए के साथ रहेगा, क्या वो अपोजिशन में आप रोल अदा करेंगे? एमएलए साहब को अभी ओल्ड सिटी में कुछ चंद लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा तो उनके हिसाब से ऐसा कोई भी नहीं है सर। एमएलए साहब अब के बार भी फुल मेजोरिटी के साथ जीत के आएंगे, हमारा वोनी की तरफ से हम फुल सपोर्ट करेंगे एमएलए साहब को। सर आप इसी वार्ड के काउंसलर हैं, तो इसी वार्ड में लोगों ने कहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो एमएलए की भी तारीफ की, आपकी भी की, तो आप ये बता सकते हैं कि वार्ड में क्या क्या काम हुआ है? नहीं, मैं पिछले 20 साल से काम करते आ रहा हूँ और यहाँ की जो लोगों की तकलीफ वगैरह देख के पूरा काम करता हूँ मैं, और लोग जो है चाह के वोट डालते हैं। इसी तरीके से एमएलए साहब को भी 3 बार जीता है बिदर की जनता, और इस बार भी जो है इंशाल्लाह लोग सारे मिलके उनको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। अभी देखो ये रोड़ा, पहले हम बचपन में देखते थे 20-25 साल में एक बार रोड बनता था, आज जो है 5 साल में 2 बार, 10 साल में 3 बार बन रहा बोले तो एक उनका डेवलपमेंट है, बोल के लोग उनको दिल से चाह के वोट डालेंगे इंशाल्लाह। मेरा सवाल है कि खजरी साहब आपके वार्ड में क्या क्या काम करे? साहब खजरी साहब हमारे कन कम से कम 3 बार काउंसलर ऐसा कुछ रह चुके हैं। अब हमारे गली में क्या 2 वार्ड हो गए, डिवाइड हो गए, 8-9 हो गए, उन 8 वाले के अब उधर गए, तो भी हमारे गली में इतने प्रॉम्प्टली काम करते थे उन्हों, हर घर के सामने सीसी रोड है और हर घर के सामने नल की टूटी है, हर घर में कम से कम किधर तो बोरल है कि नहीं, कि उतने हमारे एरिया में उतने बोरल्स है, उतने बोरल्स उन्हें करके दिया। खदरी भाई काउंसलर है, उनके सामने बोल रहे हैं, हम क्या बदबीजन बोल रहे हैं, उन्हें करके दिए बोलकर ही बोल रहे हैं हम लोग। जगन्नाथ जीरगे है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे पास मस्जिद आयशा से अंदर ओल्ड सिटी के अंदर यहाँ पर बीटी वर्क का काम चल रहा है, तरहापुरा भीमनगर एरिया और जो है सो राम मंदिर के पास, तकरीबन ये चित्रा कार्नल का एरिया, तकरीबन ओल्ड सिटी के अंदर 90% पूरे रोडों का 99% पूरा 100% काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अंदर के जो सब रोडा वगैरह भी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए भी नगर उद्यान के हर फेज़ का बजट एमएलए साहब रखे सो है, सीसी रोडों का, अंदर के सब रोडों का भी, सीसी रोडों का तकरीबन काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे विनोद भाई हमारे वार्ड नंबर 9 और 8 की क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख है, वो पूरा बताए हमारे भाई पूरा, अंदर भीमनगर में क्या क्या वर्क हुआ सो है, क्या नहीं हुआ सो है, अंदर माइनॉरिटी एरियो में भी क्या हुआ सो है, क्या नहीं हुआ सो है। और यहाँ पर हमारे पास जो भीमनगर है, ये भीमनगर नहीं बल्कि गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू के घर में मुसलमान का त्यौहार, मैं मुसलमान के घर में हिंदू का त्यौहार, एक तारीख है भीमनगर की हमारे पास, तो ये क्या है शुरुआत बिदर की भीमनगर बोले तो सबसे पहला बुनियाद हमारे पास भीमनगर यहीं से है, क्या भी मसले मसाइल रहते हैं भीमनगर से यहीं से शुरू होते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान क्या भी रहते हैं शुरुआत यहीं से होते हैं ओल्ड सिटी के अंदर से। तो हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है ना 90% काम एमएलए साहब के नेतृत्व में जितने भी काम आ सकते हैं, कौन से भी डिपार्टमेंट का फंड रहने दीजिए, क्या भी रहने दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कौन सी भी ताकत उन्होंने छोड़े नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वार्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह कब्रस्तानों के बाउंड्रियों के काम हुए हैं, रोडों के काम हुए हैं, 2016-17 का नगर उद्यान का काम वो बैलेंस था तो सीसी रोडों के, नालियों के, शमशा कॉलोनी में वगैरह काम हुए हैं। ऑलरेडी मेरे वालदा थे यहाँ से काउंसलर, वार्ड नंबर पहले 14 था, 11 हुआ, अब जो है ना 9 है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई साहब भी जो है ना वार्ड को काम करने के वास्ते कभी भी पीछे नहीं हटे। आज अल्लाह के हुक्म से जो है ना तकरीबन 90% काम हमारे भी एरिया में कुछ बचा सो नहीं है, ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स है, खैर हम किसी के बारे में कुछ मुखालिफत भी नहीं करेंगे इसके अंदर, जो लोग एमएलए साहब के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं वो खिलाफत वैसी कुछ भी नहीं है, कुछ लोग देखो जिसकी तकलीफ़ है उन्हें भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले परेड में इंशाल्लाह जो भी काम होगा पब्लिक के सामने सब काम है, काम कुछ छुपा हुआ नहीं है, एमएलए साहब कुछ बंद कमरे में काम नहीं कर रहे, काम जब से उन्होंने 3-4 बार एमएलए जो भी बने हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रोड के ऊपर काम रखे हैं, जनता को मालूम है काम क्या करे क्या नहीं करे, यह सबको मालूम है इंशाल्लाह। मैं अपनी इतनी बात ख़त्म करते हुए एमएलए साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे वार्ड में भी बहुत सारा काम करे हैं हम उनका, हमारे भीमनगर की तरफ से, रोहिले गली, शमशा कॉलोनी, दरगामपुरे की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले पीरियड में भी एमएलए साहब का जो भी बजट रहेगा
खदीर भाई रहेंदे, हम रहेंदे, विनोद भाई रहेंदे, क्या भी मसले के क्या भी मामला रहेंदे, फंड्स वगैरह रहेंदे, इंशाल्लाह जो भी रहेंगे हम हमारे एरिया को बिल्कुल ला के डेवलप करेंगे हम हमारे एरियों को इंशाल्लाह।